तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल प्लस पर जो डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए और भी गूगल ने बहुत सारे नियम को लागू कर रहे हैं। तो यार, वीडियो को आप देखते रहिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को पता है कि पिछले साल विनाशकारी डेटा उल्लंघन के बाद गूगल ने एक फैसला लिया था कि उसे बंद कर दिया जाए। फिर उन्होंने देखा कि हमारा गूगल, जब गूगल प्लस को बंद कर देने से बहुत सारे लेखक और स्मार्ट ने बहुत सारे तरह तरह की कार्रवाई की, तो उन्होंने ये गूगल प्लस को फिर से चालू कर दिया। अब गूगल ने ये एक अपडेट किया है कि 2 अप्रैल से हमारा जो गूगल प्लस का जो डेटा है वो और भी सिक्योर हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसे कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे हो रहे हैकर आ रहे हैं और गूगल को हैक करने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम हो जाते हैं। तो यार, आप सभी को बता दो कि आप गूगल प्लस पर प्रोफाइल भी अब हो सकती है और ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि अब 2 अप्रैल आने में ज़्यादा समय नहीं है। 2 अप्रैल अब दो ही हफ्ते के आसपास बाकी रह चुके हैं, और अगर बता दो कि अप्रैल और अगस्त के बीच में बहुत सारे हो सकते जरूरी सेटिंग, तो यार अभी वो सेटिंग क्या है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी वो अपडेट नहीं आई है। जब भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। जो भी गूगल प्लस अकाउंट पे बहुत सारे मतलब डेटा को रखते हैं, फोटो वगैरह, चित्र, वीडियो, बहुत सारे मतलब 3D मतलब प्रोग्राम जो फाइल रखते हैं, और बहुत सारे लेखक अपने टिप्पणियां को गूगल प्लस पर रखते हैं, वो हो सकता है कि कहीं खो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यार, क्योंकि उस चीज को खोने से रोकने के लिए गूगल ने एक प्रोजेक्टर टेकर लगाया है जो उसकी निगरानी रखेगी, जो उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगी। जो भी आप वहां पर रखते हो टिप्पणी वगैरह या फिर चित्र, वीडियो या फिर कुछ भी, उसे सुरक्षित रखने में वो हेल्प करेगी। तो दोस्तों, इन सभी से बचने के लिए गूगल ने एक पालन किया है कि अगर आपको इन सभी से अगर बचना है तो गूगल प्लस प्रोफाइल ASAP को हटाना चाहिए, इंटरनेट आर्काइव का पालन करना चाहिए। जो भी गूगल प्लस सिक्योरिटी को तैयार करते हैं उसका पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।